let us discuss the next type of problems in which bodies are not completely at equilibrium they are accelerating in one or the other direction okay so accelerating objects we will study now you know what happens is when uh, there are problems involving objects that, that are in accelerated motion that is there is some net force on them नेट फोर्स इज नॉट जीरो ऑन देम दैन वैपन सी ओके इफ देर इज अचुएशन इन विच द बॉडीज आर एक्चुअली एक्सेरेटिंग और यू थिंक दैट द बॉडी आर एक्सेटिंग वॉट यू डू इज जस्ट मेक अ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम बाय अंडरस्टैंडिंग द टेक्सट ऑफ द प्रॉब्लम जो भी लिखा है उसको समझ करके नॉर्मल सा स्केच बना लेते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट को वन बाय वन वी आइसोलेट एंड वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट ठीक है पहला क्या करोगे एक स्केच बना लोगे प्रॉब्लम का ठीक है टू अंडरस्टैंड द टोटल प्रॉब्लम ओके वॉट इज हैिंग इन द क्वेश्चन नेक्स्ट थिंग इज वी आइसोलेट अ सिंगल ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो अलग अलग सबको आइसोलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते है? एक free body diagram हैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फॉर एवरी बॉडी Which we have to consider, okay? उसके बाद क्या करेंगे एक कन्वीनियंट कोडिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं जैसे कि एक्स और वाई हॉरिजोंटल और वर्टिकल ले सकते हो और अदरवाइज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज सपोज टू मूव या फिर उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कन्वीनियंट कोट सिस्टम हम बच्चे चूज कर लेते हैं और फिर देन वी अप्लाई द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई देखो पहले क्या करते थे हम लोग जीरो बट जैसे ही बॉडी में एक्सलरेशन की टेंडेंसी है तो फिर हमें क्या इक्वेशन लिखनी होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एम एन टू एक्स ठीक है मासन के इक्वेट करते हैं जीरो नहीं करते ठीक है जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली फोर्स को बैलेंस कर देते थे अब हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली हम क्या करेंगे अब नेट फोर्स निकालेंगे किसी डायरेक्शन में और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट डायरेक्शन उसके साथ इक्वेट करेंगे करेक्ट इस तरीके से चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इस बात को समझते हैं जय सपोज करो बच्चे ठीक है देर इज अ ब्लॉक ऑफ सपोज टेन के जी एंड देर इज अ फोर्स ऑफ एटी न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक और ये एक रिजिड स्मूथ फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे रखा हुआ है ठीक है स्मूथ है ये सर्फेस मतलब वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ठीक इस केस में हम क्या करेंगे पहले तो इसको क्या करते हैं आइसोलेट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली देर इज ओनली वन बॉडी तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आइसोलेट करने में तो मैं क्या करता हूँ बच्चे इस बॉडी को आइसोलेटेड ये ब्लॉग बना दिया इसका जो मास है टेन वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ओके एंड देन वी विल अप्लाई ऑल द फोर्सेज टू मेक द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम इसका पूरा फ्री वर्ल्ड डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले हम लोग फील्ड फोर्सेस लगाते हैं going to repeat it again. तो यहां पे फील्ड फोर्स एम जी ठीक है इसका मास बेटा टेन है और जी टेन होता है तो एम जी एम जी की अगर मैं बात करूं तो वो हंड्रेड न्यूटन हो जाएगा करेक्ट है एम जी इसका कितना आ गया हंड्रेड न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऊपर ऊपर की ओर इन वाई डायरेक्शन इस पे एक नॉर्मल फोर्स होगा ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ दिस सरफेस करेक्ट है और फिर हम यहां पे क्या कर लेंगे 80 न्यूटन शो कर देंगे ठीक है दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी राइट द इक्वेशंस तो ऑब्वियसली बेटा देखो यहां पे अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर या नीचे जाने की बिल्कुल भी नहीं है तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलेशन क्या है जीरो है एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेरेशन होगा लेटेस्ट से दैट दैट इज ए एक्स एक्स ठीक है में कुछ है डायरेक्शन में कुछ वाई में तो ऑटोमेटिकली इट इज जीरो ठीक है तो अगर मैं वाई लिखू डायरेक्टली इन वाई ठीक और इस केस में हम एक्सेन निकालना चाहते हैं इस ब्लॉक के ऊपर तो हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं तो इक्वेशन क्या होगी समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू मासन ऑफ वाई ठीक टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इफ यू ऑब्जर्व बेटा ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है एन नीचे के डायरेक्शन में हंड्रेड है तो माइनस हंड्रेड लिख दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया एन में से हंड्रेड को सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल टू ये टोटल फोर्स हो गया नो अदर फोर्स इज लेफ्ट टू कंसिडर ओके तो इज इक्वल टू मास मास इसका टेन है और एक्सेलरेशन ऑफ वाई क्या है जीरो है ठीक तो यहां से डायरेक्टली यू गेट एन इज इक्वल टू हंड्रेड तो हम लोग इस स्टेप पर डायरेक्ट आ जाते थे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम तो यहां पे क्लियर है बेटा कि वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा फोर्स इज इक्वल टू हंड्रेड न्यूटन करेक्ट तो डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे बिकॉज यू आर श्योर दैट इन वाई डायरेक्शन देर इज नो नेट फोर्स ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को एग्जैक्टली exactly बैलेंस कर रहा होगा सो इट विल नॉट बी एक्सेरेटिंग इन वाई डायरेक्शन उस बात पर हम डायरेक्ट भी आ सकते थे यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑल्सो फोर्स इज इक्वल टू मासन ऑल्सो वी है नॉर्मल का वैल्यू हमें मिल गया

राइट right डायरेक्शन में लग रहा है वही एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो व्हाट वी डू इज वी राइट समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू सो सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ठीक है एफ एक्स इज इक्वल टू एम इन टू ए एक्स नाउ वी डू इज एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं वहां पे सिर्फ एक फोर्स है 80 न्यूटन और उसको मैं मास इनटू एक्सीलरेशन से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई इक्वेट कर दूंगा तो मास हो गया उसका 10 और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज हाउ मच इट इज नॉट नोन इट इज ए एक्स तो यहां से बेटा ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो यहां से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिली एक तो हमें मिल गया कि नॉर्मल फोर्स उस बॉडी पर क्या होगा ड्यू टू द कॉन्टेक्ट सर्फेस बिलो दिस ब्लॉक एन का वैल्यू हमें मिल गया और दूसरा वी कुड गेट यूजिंग द फोर्स फोर्स इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन वी हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द एक्सेशन इन एक्स डायरेक्शन ठीक है वाई एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी कि वो तो जीरो होने वाला है ठीक है ये एक सिंपल क्वेश्चन था इसको अप्लाई करने के लिए तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं एक बार एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लेकर के इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं इस मेथड की ठीक है द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ चलो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन इन विच बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग एंड वी हैव टू फाइंड सम क्वांटिटीज विच आर आज फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड टली ऑन मास एम वन एज शोन इन फिगर ओके फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एम वन एंड एम टू यहां पर क्या सिचुएशन है बेटा देखो देर आर टू ब्लॉक्स विच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी जिनका मास यहां पर दिया हुआ है एम वन एंड एम टू ठीक Now what we do is we apply an external force in the horizontal direction. इस direction में हम इस पर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा A वाला block चलना चाहता है okay? And there is B block also kept there. So what A will do? It will push block B in the right direction. और दोनों साथ साथ चलते चले जाएंगे in the right direction, correct? And we have to find the contact force which A will apply on block B. ए की वजह से ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगेगा यह हमसे पूछा गया Correct है करेक्ट है बेटा तो एक बार हम लोग क्या करते हैं इन दोनों के इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं एंड देन वी कैन फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम ठीक है तो बेटा एक बार क्या करते हैं यहां पे एफ बी डी बना लेते हैं जैसे ब्लॉक ए के लिए एम वन हो गया और ब्लॉक बी के लिए एम टू मास है ठीक बेटा सबसे पहले तो इन पे क्या बनाता हूं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस जैसे इस पर एम वन जी लग जाएगा इस पर नीचे की तरफ एम टू जी लग जाएगा ठीक है नीचे की तरफ के दोनों फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दिए नाउ, अपवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा ये सरफेस इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएगा सपोज करो क्योंकि ये बॉडी वन है तो ये नॉर्मल भी एन वन ले, ले लेते हैं हम लोग दूसरी बॉडी पर हम वैसे ही एन टू ले लेते हैं ड्यू टू द सर्फेस जो स्मूथ सर्फेस है वो इस पे ऊपर की तरफ सपोज एन टू फोर्स लगा देता है करेक्ट अब हमें क्या करना है बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के भी कॉन्टेक्ट फोर्सेस लगा देने चाहिए तो देखो फर्स्ट फोर्स इज एफ फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उधर एम टू रखा है इसके कॉन्टेक्ट में फोर्स तो इधर की तरफ ही लगेगा पुश करेगी ये बॉडी इसको ये इधर धक्का लगाएगा और ये उस पर उधर धक्का लगाएगा करेक्ट है चलो तो ये जो है ना दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है या तो इसको नॉर्मल के लिए एन सिंबल दे सकते हैं या फिर वी कैन राइट आर फोर्स ठीक है इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स होगा कॉन्टेक्ट की वजह से उसको मैं आर फोर्स बोल देता हूं उस उसपे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ठीक है इस इसपे दोनों फोर्स हो गए F इस डायरेक्शन में और आर इस ब्लॉक की वजह से इधर की तरफ का पुश कॉन्टेक्ट होने की वजह से एंड एंड ब्लॉक विल सिमिलरली अप्लाई इक्वल ऑपोजिट ठीक है रिएक्शन फोर्स उस पर लगा देगा दोनों इक्वल है ऑपोजिट है ये देख सकते हो आप लोग ना ऑब्वियसली करके यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज टू ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट इन राइट डायरेक्शन इन दोनों का एक्सेलरेशन देखो ये भी इसके कॉन्टैक्ट में है दोनों टच में है दे विल मूव टूगेदर साथ में ही जाने वाले हैं सो वी कैन श्योरली से कि द एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ दीज ब्लॉक्स एंड इन द राइट डायरेक्शन इसका एक्सेलरेशन अगर मुझे बनाना हो तो ए इधर और अगर इधर बनाना है तो भी ए इन द राइट डायरेक्शन ऐसे वो फोर्स नहीं है ठीक है उसको अलग से ही बनाया है मैंने वी विल जस्ट कंसिडर फोर्सेस फॉर राइटिंग द इक्वेशंस ठीक है तो ऑब्वियसली बेटा देखो अगर वाई डायरेक्शन की बात करो तो एन वन जो है वो एम वन जी को बैलेंस कर देगा तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सलरेशन बिल्कुल होने वाला नहीं है सिमिलरली अगर एम टू की बा, बात करूं तो एन टू जो ऊपर की तरफ है और नीचे जो एम टू जी है वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत यहां पे उतनी नहीं है ठीक है आप लिख सकते हो नॉर्मल एन वन विल बी इक्वल टू एम वन जी एंड नॉर्मल एन टू इस वाले फोर्स का जो वैल्यू होगा वो एम टू जी के बराबर हो जाएगा ठीक बेटा अगर मैं अब ब्लॉक एम वन के लिए एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं करेक्ट ब्लॉक ए ठीक है किस डायरेक्शन में इन एक्स डायरेक्शन बहुत सिंपल सी बात है एम वन के पास गए और एक्स डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी डायरेक्शन में ये जा रहा है ब्लॉक 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 यू विल से दैट मतलब इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन राइट तो अब मैं पूछता हूं आई विल आस्क यू देर आर टू फोर्सेस एफ फोर्स इन द राइट डायरेक्शन एंड आर इन द लेफ्ट डायरेक्शन ठीक है विच फोर्स शुड बी लार्जर विच फोर्स शुड हैव लार्जर मैग्नीट्यूड तो आप बोलोगे सर बिकॉज इट इज मूविंग राइट वर्ड कैपिटल एफ शुड बी ग्रेटर देन आर फोर्स ठीक है इन दोनों के बीच जो आर फोर्स था आर इस पे पीछे की तरफ लग रहा है और फोर्स कैपिटल एफ राइट वर्ड लग रहा है कौन सा बड़ा होगा जिससे कि ये राइट में जा सके तो आप ऑब्वियसली बोलोगे बच्चे कि एफ फोर्स शुड बी मोर इन द राइट डायरेक्शन ठीक तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा देखो फोर्स नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू ए एक्स करेक्ट है तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं देखो एफ माइनस आर इज इक्वल टू कितना एम वन इन टू ए करेक्ट सिमिलरली बच्चों अगर मैं उस ब्लॉक के लिए बात करूं ब्लॉक बी ब्लॉक बी फिर से इन एक्स डायरेक्शन ठीक है बी ब्लॉक के पास जाते हैं उसके पास राइट right डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स होगा आर फोर्स इज ड्यू टू ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स होगा इन द राइट डायरेक्शन और वो क्या होगा द पुश बाई ब्लॉक ए वो कितना है आर है ठीक है तो आई कैन राइट सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स उसके लिए लिखूं ओनली वन फोर्स इज दियर आर इज इक्वल टू उसका मास कितना है इस बार बच्चे देखो इस ब्लॉक के लिए अगर मास इंटू एक्सलेन लिखना है तो वी विल इंटू ऊपर वाली इक्वेशन को बच्चों में वन नंबर दे देता हूं और नीचे वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू दे देता हूं नाउ दीज आर टू एल जबराइक इक्वेशन एंड वी जस्ट है देखिए अगर बेटा मैं यहां पे ऐड कर देता हूं क्लियरली देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग ठीक है द फर्स्ट इक्वेशन वॉज एफ माइनस आर इज इक्वल टू एम वन ए ठीक है एंड द नेक्स्ट इक्वेशन वॉज आर इज इक्वल टू एम टू ए यही इक्वेशन नंबर वन थी ये इक्वेशन नंबर टू थी जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम से दोनों ब्लॉक्स के लिए लिखा था करेक्ट तो बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करने को बोलूं, तो देखिए आप लिखोगे कि एफ ऊपर का माइनस आर नीचे का प्लस आर और इधर क्या हो जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए आई कैन डायरेक्टली राइट एम वन प्लस एम टू इन टू एक्चुअली ये दोनों डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे हम लोग बट आई हैव डन इट पूरा लिख कर कर दिया नाउ एक्सेलरेशन जो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन होगा बेटा इन द राइट डायरेक्शन वो क्या होने वाला है यहाँ पे ए इफ वी आइसोलेट वी विल गेट फोर्स कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ठीक है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई विथ विच द टू ब्लॉक्स विल मूव टूगेदर ठीक है तो दोनों ब्लॉक्स जो ए और बी ब्लॉक्स थे यहां पे ये किस एक्सेलरेशन से राइट right डायरेक्शन में जाएंगे बेटा F अपॉन एम वन प्लस एम टू से राइट right डायरेक्शन में जाएंगे बट हमें क्या निकालना है वी वॉन्ट टू फाइंड द कंटेक्ट फोर्स इन दोनों के बीच में वॉट इज दैट फोर्स इट इज आर ठीक है तो किसी भी इक्वेशन में बेटा हम लोग अगर ए की वैल्यू पुट कर दें, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर अगर ऊपर वाली में ए की वैल्यू पुट करता हूं फ्रॉम हियर तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लंबी इक्वेशन है बट हियर इन इक्वेशन नंबर टू इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए आर का वैल्यू वी विल गेट डायरेक्टली राइट तो फ्रॉम मैं इसको भी इक्वेशन नंबर थ्री दे देता हूं ठीक है तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं देखिए फ्रॉम टू एंड थ्री ओके आर विल बी हाउ मच एम टू इंटू ए ठीक है ये वाला यहां पे लिखना है एम टू इंटू ए ए की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट इज एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विथ विच ब्लॉक ए जो ए ब्लॉक है वो बी ब्लॉक को पुश करता है ठीक है ये हो गया आपका आर ए पे पीछे की तरफ क्यों बनाया था क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है अगर ए बी को आगे की तरफ धक्का देता है तो बी भी उसको छोड़ेगा नहीं उसपे क्या लगा देगा पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा था इसीलिए मैंने पीछे की तरफ आर इस पर ड्रॉ किया था आई होप यू तो फाइनल जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू होगा जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होगा दैट विल बी हाउ मच एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू चलो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं रिलेटेड टू एक्सेलरेटिंग बॉडीज ओके टू ब्लॉक्स विथ मासेस एम वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू के जी एंड एम टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री के जी हैंग वन अंडर द अदर एज शोन इन फिगर देखो यहां पे एक ब्लॉक एम वन है दूसरा ब्लॉक एम टू है ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 0.2 पॉइंट और नीचे वाले ब्लॉक का मास कितना है 0.3 पॉइंट ठीक है नीचे वाला थोड़ा सा हेवी है और एक दूसरे के नीचे यहां पे टंगे हुए हैं फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स विच आर मासलेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस जो ये दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं आपको एक स्ट्रिंग ये वाली और दूसरी ये वाली they have have T1 T1 and and T2 T2 respectively suppose okay so we have to find this T1 and T2 in the following situations तब हमको क्या निकालना है टी वन और टी टू का वैल्यू निकालना है ठीक है एम वन कितना था हमारे पास जीरो पॉइंट टू के जी एम टू कितना था जीरो पॉइंट थ्री के जी ये बात तो क्लियर है अपनी राइट अब ये बोलता है कि द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट ब्लॉक्स अगर रेस्ट पे आ जाए तो टी वन और टी टू की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों देखते हैं. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ एम वन एंड एम टू सेपरेटली और उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं यहां तो अगर मैं देखो सबसे पहले वाले ब्लॉक जीरो पॉइंट टू के जी के लिए ऊपर वाले का मैं फ्री डायग्राम बनाने जाऊं तो देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेज है ये स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड है टी वन फोर्स ऊपर लगा रही होगी है टी वन ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहा होगा करेक्ट और इस पे खुद का एम जी होगा जो कि नीचे होगा एम इंटू जी वहां से जीरो पॉइंट टू एंड जी इज टेन तो जीरो पॉइंट टू इंटू टेन विल बिकम टू न्यूटन एक फोर्स और होगा जो इस पॉइंट पर होगा कौन सा फोर्स होगा बेटा देखो स्ट्रिंग टी टू वाली भी नीचे की तरफ ही कनेक्टेड है सो इट विल बी टेंशन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो T2 भी मैंने बना दिया नीचे की तरफ करेक्ट है और कोई फोर्स इस पर कॉन्टेक्ट का नहीं है नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई भी सरफेस कॉन्टेक्ट में नहीं है फ्रिक्शन की बात ही नहीं उठती कोई और स्ट्रिंग इस पर कनेक्टेड नहीं दिखती ऑल द फोर्सेज हैव बीन करेक्टली ड्रॉन हि उसके बाद दूसरे वाले ब्लॉक के लिए भी मैं फ्री वर्ल्ड बना देता हूं यहां पर फ्री वर्ल्ड नाउ उसका मास कितना है It is kg. Correct? इस पे इफ आई आस्क यू वॉट आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेज तो कॉन्टेक्ट फोर्सेज तो ऊपर की तरफ एक ही है टी टू स्ट्रिंग टू की वजह से एंड डाउनवर्ड मास इंटर ठीक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बच्चों कंप्लीट हो गया है अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए इक्विब्रियम की कंडीशन लगा करके और टी वन टी टू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो लेटर स्टार्ट फॉर फॉर टू सीधे लिखता हूं मैं फॉर ब्लॉक टू देखो बच्चो इसमें एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है देर आर नो फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज हॉरिजोंटल डायरेक्शन प्रेजेंट ठीक है कोई है ही नहीं तो एक्स डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है इट इज अंडरस्टूड की आई एम गोइंग टू राइट इन द वाई डायरेक्शन ओनली ओके डू नॉट बी कंफ्यूज तो बेटा यहां पे देखो ब्लॉक टू के लिए नीचे वाले ब्लॉक के लिए इफ आई राइट ऑब्वियसली नेट फोर्स विल बी जीरो तो दो फॉर्म में लिख सकते हैं या तो मैं ऐसे लिखूं टी टू माइनस थ्री ये नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू जीरो एंड दिस विल गिव अस टी टू इज इक्वल टू थ्री न्यूटन ठीक है बेटा तो ये वाले स्ट्रिंग जो बीच में है एम वन और एम टू के उसका जो हमें टेंशन था ट वैल्यू द्री न्यूटन ओके नाउ सिमिलरली वी शुड राइट द फोर्स इक्वेशन फॉर ब्लॉक वन ऑल्सो फॉर ब्लॉक वन अगर मैं लिखूं तो बट्टा क्या लिख सकता हूं देखिये टी वन जो फोर्स है इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो एग्जैक्टली exactly किसको बैलेंस कर रहा है टू न्यूटन और टू फोर्स को एड करके जितना फोर्स होगा उसको एग्जैक्टली टी वन बैलेंस कर रहा है मतलब अगर मैं पूछूं कि T2 और 2 न्यूटन का मुकाबला किसके साथ हो रहा है तो यू विल से कि T1 के साथ हो रहा है और बराबरी का मुकाबला डायरेक्टली right? तो लिखता हूं T1 वन विल बी इक्वल टू नीचे के दोनों फोर्सेस कौन कौन से T2 टू एंड टू न्यूटन ठीक है यू हैव द वैल्यू ऑफ टी टू ऑलरेडी तो मैं यहां पे इक्वल टू लिख करके टी टू की वैल्यू पुट कर देता हूं थ्री और ये प्लस टू दिसव न्यूटन तो बच्चों टी वन की वैल्यू भी आ चुकी है इस क्वेश्चन में और टी टू की वैल्यू भी आ चुकी है ऊपर वाला जो टेंशन है एक्चुअली वो फाइव न्यूटन मिला है हमें और जो नीचे वाला स्ट्रिंग है उसमें टेंशन थ्री न्यूटन मिला है ऐसा डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं देखो T1, वन द अपर स्ट्रिंग इज एक्चुअली टेकिंग द लोड ऑफ दीज टू ब्लॉक्स ठीक है पॉइंट टू के जी ब्लॉक का भी और पॉइंट थ्री के जी का दोनों का लोड उसने संभाला हुआ है सो इट्स टेंशन इज मोर एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स इट इज एक्चुअली ओनली सपोर्टिंग दिस एम टू ब्लॉक ओके तो उसका जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम है फाइव न्यूटन से इट इज थ्री न्यूटन ओनली ओके दिस वॉज लिटिल इजी एग्जाम्पल ठीक है इसी के लिए एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में लेता हूं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इससे ओके लेट इस टेक वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन रिमेंबर द मासेज ओके डो नॉट फोगेट इट सिचुएशन इज दे मूव अपवर्ड एट फाइव मीटर पर सेकेंड ओके सो देअर वेलॉसिटी इज गिवेन यहां पर आप पहले यूनिट पे ध्यान दीजिए पे अटेंशन ऑन द यूनिट इट इज मीटर पर सेकेंड सो इट एक्चुअली इट इज गिवेन दैट दे आर मूविंग अपवर्ड बट विदिटी विच इज कॉन्स्टेंट तो अगर इनकी वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट है बेटा वेलॉसिटी इज कॉन्स्टेंट तो इसका मतलब क्या हुआ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब zero, right? dt, है जीरो, राइट? देखो, ठीक एंड इफ इट इज सेट दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अगर ये चीज कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन, इफ आई राइट इट विल बी जीरो तो एक्सेलरेशन तो हमें क्या मिल गया बच्चे जीरो ओके okay? तो बेटा इसका एक्सेलरेशन तो अभी भी जीरो है इसका भी एक्सेलरेशन क्या आ गया जीरो एंड वेन एवर द एक्सेलरेशन इज जीरो इट इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है ये केस भी इक्विलिब्रियम का ही है इवन दो दे आर मूविंग अपवर्ड बट दे डू नॉट हैव नेट एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है जिससे वो एक्सेरेशन मिल सके उनको ठीक है तो ये प्रीवियस केस जैसा ही है इन प्रीवियस केस दे वर एट रेस्ट इस केस में भी क्या होगा दे आर नॉट एट रेस्ट बट देर एक्सलरेशन इज जीरो इस बार भी अगर हम लिखेंगे ना तो हम ऐसे ही लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इन टू जीरो ठीक है तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो ही लिखना पड़ेगा आपको तो अब इस बार अगर मैं सॉल्व करूं देन ऑल्सो द सेम वैल्यूज विल बी दैट इज टी वन का जैसे पिछली बार वैल्यू आया था इन द प्रीवियस केस वी हैड गॉट टी वन इज इक्वल टू फाइव न्यूटन एंड टी टू इज इक्वल टू थ्री न्यूटन कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इवन दो आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन चलो अब हम क्या करते हैं इससे भी थोड़ा सा और फर्दर चलते हैं और थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं जिसमें इसका एक्सेलरेशन भी आ गया है ओके दिस सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन दिस टाइम चलो दे एक्सेलरेट अपवर्ड इस केस में क्या है डेटा वही है इस बार भी स्टिल हाउ मच जीरो पॉइंट टू के जी एम टू इज जीरो पॉइंट थ्री के जी सेम डेटा है बट इन दिस केस दे आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायेर इनका ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन भी है इस केस में ठीक है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है ए ऐसा दिया हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इस केस में अगर हमें टी वन और टी टू निकालना है देन ऑल्सो वट वी शुड डू वी शुड फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स और उसके बाद वही सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखनी चाहिए फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम सी फॉर द अपर ब्लॉक ये 0.2 पॉइंट का है तो इसका एम तो टू आ जाएगा डायरेक्टली और द अपवर्ड फोर्स विल बी टी वन ठीक दिस फोर्स वी हैव कैलकुलेट वी हैव ड्रॉन Okay, mg we have drawn, and one another contact force T2 will act here at this point Theke, T2 in the downward direction. Iska free body diagram complete ho gaya hai? The block one has one tension in the upward direction, and mg and T2 in the downward direction. Forces are complete now. Okay, now what we do is we draw the free body diagram of the second block that is. एम टू तो उसका एम जी कितना हो जाएगा बेटा देखो पॉइंट थ्री इंटू टेन थ्री न्यूटन हो गया नीचे की तरफ और कोई फोर्स नहीं दिख रहा होगा आपको यहां पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एक फोर्स ऊपर लगेगा यहां पर स्ट्रिंग टू की वजह से दैट विल बी टी टू करेक्ट दिस इज जीरो पॉइंट थ्री के जी ब्लॉक अब बात यह है कि दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है दे आर ऑब्वियसली मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इधर की तरफ मैंने ए और इधर की तरफ फिर से ए दिखा दिया बिकॉज दे आर मूविंग अपवर्ड इट इज रिटर्न इन द क्वेश्चन ऊपर के फोर्स ज्यादा होंगे या नीचे वाले फोर्स ज्यादा होंगे तो यू विल सेक्शन द अपर फोर्स शुड बी लार्जर सो दैट दे कैन हैव एन एक्सलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन राइट तो अगर मैं नीचे वाले के लिए लिखूं बेटा ठीक है फॉर ब्लॉक टू ओके वाई डायरेक्शन में ही वी नीड टू टॉक बिकॉज दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग इन एक्स डायरेक्शन दे डू नॉट हैव एनी फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन बच्चे फॉर द ब्लॉक टू देखो ये वाला ब्लॉक दिख रहा होगा आपको M2 वाला ब्लॉक इस पे अपवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर दैन द डाउनवर्ड फोर्स तो आई विल राइट सम ऑफ फोर्सेज है ना ऊपर का फोर्स T2 टू हो गया उसमें से सब्रैक्ट कर लेते हैं नीचे वाला फोर्स दैट इज थ्री न्यूटन तो बेटा आई विल राइट टी टू मास माइनसेशन नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट इसका जो मास है कितना है वो 0.3 है तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ मास 0.3 और उसका मासन विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन वो कितना है ऊपर की तरफ है एंड इट इज इक्वल टू टू यहां पुट कर देता हूं बेटा तो यहां पर डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ टी टू एज इनको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट जीरो पॉइंट सिक्स और ये थ्री उधर जाकर बच्चे क्या दे देगा थ्री और है ना तो टोटल वैल्यू ऑफ टी टू विल बी हाउ मच इट विल बी थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन ठीक है इक्विलिब्रियम केस में इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्वेश्चन ये थ्री न्यूटन ही आया था

ठीक है बच्चों देखो फॉर ब्लॉक वन ऊपर वाले 0.2 पॉइंट टू के के ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ये ऊपर ही जा रहा है तो इसका ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्सेस से क्या होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए सो दैट एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन करेक्ट तो ऊपर के फोर्सेस पहले लिखते हैं हम लोग तो यहां लिखते हैं T1 ठीक है उसमें से नीचे वाले फोर्सेस मतलब 2 न्यूटन और T2 कर लेते हैं तो टी टू भी सब कर लिया टू न्यूटन ऑल्सो एंड देन आई एम गोइंग टू इक्वेट इट इन टू मास मासन बच्चा इस ब्लॉक का अगर मैं मास पूछू आपसे हाउ मच इट इज क्वेश्चन में गिवन है इट इज जीरो पॉइंट टू न्यूटन राइट और उसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है तो पुट करता हूं मैं देखो मास इज जीरो पॉइंट टू और उसका एक्सेलरेशन हो गया टू राइट right? तो यहां से T1 की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी ये तो 0.4 बन गया T2 उधर जाके प्लस में आ जाएगा वो हो गया जीरो थ्री पॉइंट सिक्स और ये टू भी उधर जाके प्लस बन गया होगा तो टू बच्चे थ्री पॉइंट सिक्स और पॉइंट फोर एड करके फोर मिलेगा करेक्ट और ये क्या है भाई टू और है तो फोर प्लस टू बहुत हिम्मत करें बहुत टाइम लगाएं कैलकुलेटर यूज करें लास्टली कितना मिलने वाला है ये सिक्स न्यूटन ठीक है सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू ठीक है वैसे इतना कैलकुलेशन तो सभी कर लेते हैं ठीक है सो इन दिस केस यू सी दैट द फोर्सेज हैव इंक्रीज्ड करेक्ट पहले के फोर्सेस क्या आए थे इफ यू रिमेंबर टी वन वॉज टी वन वॉज फाइव न्यूटन इस केस में वो सिक्स है बढ़ गया है टू वर्स थ्री वो थ्री पॉइंट सिक्स बन गया है अपवर्ड डायरेक्शन इनक्रीज क्योंकि द ब्लॉक्स है अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए जिससे कि ऊपर की तरफ जा सके ठीक है दैट इज वाई दिस चेंज है